सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डिफेंस रिलेटेड न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अन साहब सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं डिफेंस टॉक के एक नए एपिसोड, जहां पर हम आप सबके लिए रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स लेके आते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी की अपकमिंग कैरियर्स को लेके है। आप सबको पता होगा कि अभी हमारे पास सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है जिसका नाम INS विक्रमादित्य है, और हमारी पहली इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत का कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि इसे 2020 से 2021 के बीच इंडियन नेवी में कमीशन किया जाएगा। इंडियन नेवी कुल 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को अपने फ्लीट में शामिल करना चाहता है, जिनमें से 2 कैरियर्स 2 फ्रंट में तैनात रहेंगे और 1 रिजर्व में रखा जाएगा। लेकिन हमारी दूसरी इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विशाल, जो कि एक 65,000 टन से 70,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाला कैरियर बनने वाला है, उसकी कंस्ट्रक्शन को लेकर अभी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इनिशियल प्लान के मुताबिक इसे 2030 से 2032 के बीच नेवी में शामिल किया जाने वाला था, लेकिन अभी नेवी की घटती हुई बजट और टेक्निकल इश्यूज की वजह से इसमें डिले हो रहा है और डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इसे अप्रूवल नहीं दिया जा रहा है। ये एक फ्लैट टॉप कैरियर बनने वाला है और ये करीब 50 से 60 एयरक्राफ्ट को कैरी कर सकता है, लेकिन अभी इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए करीब $13 बिलियन की जरूरत है और फंड की कमी की वजह से इस पर काम शुरू नहीं हो पा रहा है। दोस्तों अगला अपडेट बॉर्डर सर्वेलेंस सिस्टम को लेके है, जिसे DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है। इसके पहले 2 प्रोटोटाइप्स को DRDO की देहरादून बेस्ड इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा बनाया गया था, जिनका अभी लद्दाख में टेस्ट किया जा रहा है। इस बॉर्डर सर्वेलेंस सिस्टम में कैमरा, इंफ्रारेड सेंसर, थर्मल इमेजर, लेजर रेंज फाइंडर और GPS लगा हुआ है, और ये करीब 10 से 12 किलोमीटर की दूर से लाइट व्हीकल्स को और 7 से 10 किलोमीटर की दूरी से इंसानी खतरों को देख सकता है, और इसे किसी भी तरह के वेदर कंडीशन में और दिन और रात में भी ऑपरेट किया जा सकता है। ये करीब 20 किलोमीटर की दूर तक रियल टाइम ऑडियो और वीडियो ट्रांसमिट कर सकता है। इसी तरह के सिस्टम को हमारे ITBP और BSF के जवानों की मदद के लिए बॉर्डर पर तैनात किया जाने वाला है, क्योंकि हमारे बॉर्डर में ऐसे कई सारे इलाके हैं जहां पर वेदर कंडीशन काफी खराब रहती है और वहां पर रेगुलर पेट्रोल करना भी काफी मुश्किल रहता है। DRDO अभी 3 प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर फर्म्स को ढूंढ रही है जो कि इन सिस्टम को मैन्युफैक्चर कर सके, और DRDO की तरफ से इसकी सारी टेक्नोलॉजी को उन कंपनीज को प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों अगला अपडेट इसरो की तरफ से है। इसरो की तरफ से अभी एक ऐसे मिशन को लॉन्च किया जाने वाला है जहां पर इसरो आउटर स्पेस में जीवन की खोज करने वाला है। इसके साथ ही इसरो अभी ह्यूमंस को स्पेस में भेजने की तैयारी कर रहा है, और अगर गवर्नमेंट की तरफ से क्लियरेंस मिलता है तो इसरो ह्यूमन स्पेस मिशन भी लॉन्च कर सकता है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा वक्त बाकी है। और मिशन के लिए इसरो की तरफ से अभी हमारे देश की सारे बड़े रिसर्च लैबोरेटरीज के साइंटिस्ट को बुलाया गया है, और इनिशियल प्लान के मुताबिक इसरो अभी करीब 5 साइंटिफिक मिशन पर काम करने वाला है, जिनमें से 3 अनमैन्ड मिशन और 2 मैन्ड मिशन होने वाले हैं। और इनमें से सबसे अहम मिशन के तौर पर इसरो जीवन की शुरुआत कैसे हुई उस पर खोज करने वाला है, जिससे हमें ये पता चल सकता है कि पृथ्वी पर जीवन अपने आप शुरू हुआ था या फिर आउटर स्पेस से उसे लाया गया था। दोस्तों अगला अपडेट पाकिस्तान को लेके है। पाकिस्तान ने अभी गुजरात बॉर्डर के पास एक नए एयरबेस को डेवलप कर लिया है। सोर्सेस के मुताबिक पाकिस्तान अपने हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के वोलारी में एक मॉडर्न एयरबेस को बना चुका है, जहां पर वो अपनी JF-17 फाइटर जेट्स को डिप्लॉय करने वाला है। हालांकि एयरबेस रिसेंटली बनाया गया है, लेकिन कुछ सोर्सेस के मुताबिक पाकिस्तान अभी इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी को मैच करने के लिए बहुत ही बड़ी मात्रा में JF-17 को इंडक्ट कर रहा है। लेकिन आप कुछ भी कर लो, एक घोड़े के बदले अगर आप 20 गधों को रेस में उतार देते हो तो वो भाग तो सकते हैं लेकिन रेस कभी नहीं जीत सकते हैं। इसे काउंटर करने के लिए अभी इंडिया की तरफ से भी गुजरात की दिशा में एक फॉरवर्ड एयरबेस को बनाने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है, और इसके अलावा पाकिस्तान की SSG कमांडोज को भी इसी एरिया में देखा गया है, जो कि लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकवादी संगठनों के आतंकवादियों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। अगला अपडेट इंडिया और साउथ कोरिया को लेके। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट अभी 4 दिन की इंडिया विजिट पर आए हुए हैं, और आज PM नरेंद्र मोदी जी और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट मून जाए इनके बीच एक मीटिंग को अरेंज किया गया था। इंडिया और साउथ कोरिया अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी साथ मिलकर काम करने वाले हैं। इसके अलावा साउथ कोरिया की तरफ से इंडिया के लिए $10 बिलियन का सॉफ्ट लोन को भी अप्रूव किया गया है। इससे पहले 2015 से PM नरेंद्र मोदी जी के सियोल विजिट के दौरान बातचीत किया गया था। इसके अलावा इंडिया और साउथ कोरिया के बीच अभी बायलेटरल ट्रेड को भी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, और अभी करीब $20 बिलियन का ट्रेड किया जाता है, इसे फ्यूचर में और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है।
जिसके चलते अभी दोनों देशों के बीच ईयरली हार्वेस्ट स्कीम को साइन किया जाएगा, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का एक हिस्सा है। अगला अपडेट भी पाकिस्तान की तरफ से है। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान को अभी FATF के द्वारा टेरर फंडिंग की वजह से ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है और अभी वो ब्लैक लिस्ट में आने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इसी बीच सीनेटर रहमान मलिक ने FATF की इस डिसीजन को स्ट्रॉन्गली अपोज किया है और उन्होंने कहा कि FATF के द्वारा जो डिसीजन लिया गया है वो एक बायस डिसीजन था और ये सब इंडिया की पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसने आतंकवाद के खिलाफ सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ लड़ी है और अभी भी लड़ रहा है और सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस किया है, लेकिन इंडियन लॉबी की वजह से पूरे दुनिया में पाकिस्तान की इमेज खराब हो रही है। मतलब इनके हिसाब से पूरी दुनिया को इंडिया अपने उंगलियों पे नचा रहा है। जिन 37 देशों ने FATF में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने की सपोर्ट में वोट किया था, उन सबको इंडिया ने खरीद रखा है। भाई आपको ठीक से पता नहीं है, हमने खरीदा नहीं है, हमने टोना टोटका कर रखा है। हमने ना नींबू में लौंग घुसेड़ रखा है और सबको बसीभूत कर रखा है। मुझे पता है तुम लोग मेरा विश्वास नहीं करोगे, खुद जाके यूट्यूब के ट्रेंडिंग पेज में देख लो। और ये जो तुम्हारी इकोनॉमी डाउन होती जा रही है ना, एक बार नींबू में लौंग घुसेड़ के देख लो, इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। नहीं नहीं रुको, अभी किसी ने कमेंट किया है कि पाकिस्तान का JF-17 ब्लॉक 3 रफेल से भी अच्छा है, बस वो 2019 में इंडक्ट होने वाला है। भाई तुम्हारे उस साइड कुछ गलत चल रहा है क्या? दिमाग को ना एक बार घुटने से बाहर निकालकर हार्पिक से धो लिया करो, कीटाणुओं के साथ साथ सारे बहम भी दूर हो जाएंगे। और ऐसे लोग होते हैं जो कि सुअर के साथ कोपचे में जाके नाजायज संबंध बनाते हुए पकड़े जाते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और कमेंट कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।